लेबनान के संगठन हिजबुल्ला और इसराइल के बीच सीधी जंग का ऐलान कभी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच लगातार हो रही भीषण गोलीबारी और तोप और मिसाइल हमले अपनी सभी सीमाएं पार करते जा रहे हैं। एक तरफ जहां इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में कहर बरपा रही है, वहीं हिजबुल्ला उत्तरी इजरायल पर जवाबी हमले कर रहा है। हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इलाके में इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइल हमले कर रहा है। और इसी बीच हिजबुल्ला ने एक और बड़ा ऐलान किया है। न्यूज एजेंसी अल मयादीन के मुताबिक हिजबुल्ला का कहना है कि उसने 5 मार्च 2024 को इजरायली सेना के खिलाफ 11 हमलों को अंजाम दिया है। ये सभी हमले लेबनान से लगे इजरायली बॉर्डर के पास किरियत शमोना सेटलमेंट के आसपास ही हुए हैं। अल तयहात हिल में हिजबुल्ला ने IDF के जमावड़े पर सीधा हमला किया है। हिजबुल्ला ने इस दौरान मिसाइलें भी दागी हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने IDF की 769वीं ईस्टर्न ब्रिगेड पर उपयुक्त हथियारों से हमला किया है। इसके अलावा इसी इलाके में हिजबुल्ला ने इजरायली सेना के मेरकावा टैंक पर भी हमला किया है। कफार शुबा की पहाड़ियों पर हिजबुल्ला ने कई मिसाइलें तक दागी हैं, जो सीधे टारगेट पर जाकर लगी हैं। इसके अलावा अल बगदादी साइट पर भी हिजबुल्ला ने निशाना साधा है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कफार ब्लम सेटलमेंट पर दर्जनों कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। वहीं किरियत शमोना सेटलमेंट में हिजबुल्ला ने IDF की एक बिल्डिंग पर हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में IDF को भारी नुकसान हुआ है। वहीं हिजबुल्ला के इन हमलों को लेकर IDF की भी प्रतिक्रिया आई है। IDF का कहना है कि हिजबुल्ला की तरफ से किरियत शमोना में करीब 30 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 10 रॉकेट्स को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि एक रॉकेट कफार ब्लूम में एक घर के पीछे की तरफ जा गिरा, जिसमें मामूली नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने जब ये हमले किए थे तो उस वक्त किरियत शमोना और उसके आसपास के इलाकों में हवाई हमलों से सायरन बज उठे थे। IDF के मुताबिक हमले की भनक लगते ही IDF के लड़ाकू जहाजों ने उस लॉन्चिंग पैड पर एंटी टैंक मिसाइल दागी, जहां से ये रॉकेट दागे गए थे। IDF ने बताया कि उसने लेबनान के तायबे में एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया है। इसके अलावा अरब अल लाउजे के एक लॉन्चिंग पैड से मिसाइल दागी गई थी, जिसे IDF ने एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया। हालांकि इससे पहले मंगलवार को रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने क्षेत्र में अमेरिका के विशेष राजदूत अमोस होस्टिन से कहा था कि हिजबुल्ला के इसराइल पर लगातार हमले देश को लेबनान में सैन्य कार्रवाई के संबंध में निर्णय के करीब ला रहे हैं। योव गैलेंट ने अपने बयान में कहा कि हम राजनयिक प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं, हालांकि हिजबुल्ला की आक्रामकता हमें लेबनान में हमारी सैन्य गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण बिंदु के करीब ला रही है। इसराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने मंगलवार को कहा कि अगले सप्ताह शुरू होने वाले मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के दौरान लेबनान इसराइल सीमा पर दुश्मनी को समाप्त करने पर अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू होने वाली है।